चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूँ। मैंने आपको मिड अप्रैल में एक वीडियो दिया था जो कि फर्स्ट वार्निंग थी। अप्रैल महीने में मैंने कुछ कम वीडियोस दिए हैं, बता दिया था व्यस्तता ज्यादा है। यहां से मैं आपको लगातार वीडियोस देने का प्रयास करूंगा और जो भी वीडियोस हमारे पाइपलाइन में हैं, कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचा सकूं। आज 30 अप्रैल 2022 है और इस समय 19:13 शाम को 7:13 हो रहे हैं IST के हिसाब से। हम आपको आज जो वीडियो देने जा रहे हैं वो है सेकेंड वार्निंग फॉर द वर्ल्ड। मैंने आपको बताया था मैं 3 वार्निंग्स दूंगा, पहली मैं दे चुका हूं, ये दूसरी वार्निंग है। आज 30 अप्रैल को दे रहा हूं 2022 को शाम को 7:13 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। तीसरी वार्निंग मैं मई के महीने में दूंगा और ये अराउंड आपकी होगी 9 मई के लगभग, 9 मई से और 15 मई के बीच में हो सकती है। तो ये जो वार्निंग दे रहा हूं मैं, ये एक स्टर्न वार्निंग है। ये एक बहुत ही ध्यान देने योग्य वार्निंग दे रहा हूं आपको मैं। देखिए, जो परिस्थितियां मैंने आपको बताई थी उनमें काफी उसी तरह का डिटेरियोरेशन हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यूक्रेन में वैसा नहीं हुआ बर्बादी डिस्ट्रक्शन जैसा कि प्रत्याशित था। उनसे मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, जो भी लोग हैं, कि घर पर बैठ के कमेंट्री करना बहुत आसान होता है, आपको वहां की परिस्थितियां पता नहीं है, शायद पूरी तरह से मीडिया में भी सब खबरें नहीं आ पा रही हैं। अगर आपको वहां की खबरें पता करनी है तो एक बार वहां चले जाइए या वहां आपके कोई रिलेटिव्स रहते हो उनसे पूछ लीजिए। केओस है, बर्बादी है, आप क्या चाहते हैं? पृथ्वी तो समाप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि वहां पर कुछ क्या चाहते हैं, मतलब कुछ हुआ नहीं, क्या करना चाहते हैं? या जब एटम बम भी गिरेगा तभी आपको लगेगा कि बहुत कुछ हो गया, शहर नष्ट हो गए हैं, कितने लोग वहां अप्रत्याशित मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, कितने शरणार्थी हो चुके हैं, शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो जो कुछ बताया गया था एग्जैक्टली वही परिस्थितियां वहां पर हो रही हैं। बहुत बिकट और विकराल परिस्थितियां जिसको कहते हैं, दूर से बैठ के किसी के प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करना, प्रिज्यूम करना, एज्यूम करना, फील करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिकली एक बार जाना पड़ेगा वहां पे, फिर देखिए, फिर बताइए आके, अपने आप वर्णन करेंगे, अरे बर्बादी हो गई, वहां तो सब कुछ बर्बाद हो गया। तो इसलिए अनड्यू रिमार्क्स, अनड्यू कमेंट्री करने से कोई फायदा नहीं है। यह युद्ध जैसी परिस्थिति है, विभीषिका है, इसमें इतनी बर्बादी होती है जिसका वास्तव में पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, जो कि इस समय यूक्रेन में हो रही है, जैसा मैंने अपने पहले वीडियोस में आपको बताया था। अब यहां से सेकेंड जो है, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं क्या परिस्थिति बनने जा रही है। ध्यान रखिए, जो भी इंडियंस हैं या जो भी विदेश के लोग हैं, जो भी इसको देख रहे हैं, वो गंभीरता से समझने का प्रयास करें। देखिए, जो हमारा युद्ध चल रहा है इस समय, वो आपको पता है कहां पे चल रहा है, वो है, हम आपको पॉइंटेड बता रहे हैं कि किस जगह पर चल रहा है। ये देख रहे हो आप, यूक्रेन। हमने आपको जो पहले पॉइंट्स बताए थे कि ये युद्ध आगे बढ़ सकता है, पूरी बिसात बिछाई जा रही है शतरंज की, जो कि अब बिछ चुकी है। दुनिया के कई देश अपने अपने तरह से तैयार हो चुके हैं। तो जो मैं सेकेंड वार्निंग आज दे रहा हूं, ध्यान रखिए, दुनिया के लोगों को इन क्षेत्रों से बच के रहिए। पोलैंड देख पा रहे हो आप, बच के रहिए, ये बहुत ही एक सेंट्रल पॉइंट बनने वाला है ये पॉइंट। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड,
यहां पर एक बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है। यह समुद्री क्षेत्र जो आप देख रहे हो, यहां से परिस्थितियां विपरीत हो चुकी हैं और ये परिस्थितियां आगे डिटेरियोरेट होने वाली हैं। साथ ही साथ ध्यान दीजिए, जब ये क्षेत्र आएंगे इसकी जद में, तो फिर बाकी क्षेत्र भी जो आप देख पा रहे हैं वो इसकी जद में आ जाएंगे, जिसमें आप इटली देख रहे हैं, फ्रांस देख रहे हैं, जर्मनी देख रहे हैं, स्पेन देख रहे हैं, और इस तरह से ये जो क्षेत्र है वो आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यूरोप को काफी हिस्सों को कवर करेगा। टेंशंस बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था पोलैंड, इंग्लैंड और कुछ और मैंने आपको देश बताए थे, रोमानिया था, लिथुआनिया था और कई देश हैं, उनकी भी मैं आपको आगे चल के लिस्ट देने वाला हूं। इनमें बहुत ज्यादा प्रभाव होने वाला है। ध्यान से देखिए, ये जो फिनलैंड देख रहे हो आप, फिनलैंड और स्वीडन, यहां पर जो क्षेत्र होंगे वो सबसे सुरक्षित क्षेत्र माने जाएंगे। कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर कोई भी किसी तरह का प्रतिघात नहीं होगा, ये क्षेत्र कुछ हद तक सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह से ये आयरलैंड, आइसलैंड जो देख रहे हो, ये आइसलैंड, ये भी यूरोप का क्षेत्र, ये क्षेत्र भी सुरक्षित होगा। यहां पर भी किसी तरह का कोई आक्रमण या कोई दुर्घटना दिखाई नहीं दे रही है। तो इस तरह से जो भी इंडियंस, ध्यान दीजिए, इन एरियाज में रह रहे हैं, जो भी इन एरियाज में देख रहे हैं आप, पोलैंड है, जर्मनी है, जर्मनी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, लेकिन यस लेटर स्टेज पे इसमें प्रभाव आने वाला है। तीसरी वार्निंग मैं दूंगा तब आपको और बताऊंगा। तो खास ख्याल रखिए, ये पोलैंड और ये जो क्षेत्र हैं आप देख रहे हो, इनमें ये आग बढ़ने वाली है। टर्की भी एक स्टेज पर इस आग से नहीं बच पाएगा, क्योंकि टर्की ने जो बीज बो दिए हैं ड्रोन्स के रूप में और हथियार जो सप्लाई किए हैं, इस पर भी रूस की निगाह है। तो ध्यान रखिए कि पूरा का पूरा क्षेत्र, इसमें जो लोग रह रहे हैं, अब उनको सेकेंड वार्निंग के रूप में मैं बता रहा हूं कि आप बाहर निकलने की फाइनल प्लानिंग मत कर लीजिए, बल्कि आप बाहर निकलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्थितियां बहुत तेजी से बदलेगी, स्थितियां बहुत तेजी से बदलेगी। मुझे दो घटनाओं का इंतजार है, उसमें से कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, आपको याद होगा समुद्री बेड़े को डुबो दिया गया, वो भी हो गया। फिर मैंने कहा कि कोई यूरेनियम या कोई इस तरह से एटॉमिक कोई किसी तरह का लीकेज, वो भी परिस्थितियां हो गई, क्योंकि उस पर एटॉमिक वेपन्स थे, वो भी परिस्थितियां सामने आ गई। जो जो पहले से मैंने वर्णित किया था वो घटित हो रहा है। मुझे दो घटनाओं का इंतजार है और वो दो घटनाएं जैसे ही घटित होंगी, मैं आपको तीसरी वार्निंग दूंगा, जहां से वापस आना मुश्किल होगा दुनिया को, वहां से एक बड़ा युद्ध दिखाई दे रहा है। तो ईश्वर करे कि तीसरी वार्निंग मुझे ना देना पड़े, किसी तरह से ये सबसाइड हो जाए, लेकिन फिर वही एक बार ऐसा संभव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो हमने क्रोनोलॉजी घटनाओं की तैयार की थी उसी क्रम में घटनाएं घटित होती चली जा रही हैं। इसका मतलब हम एक खतरनाक युद्ध की तरफ जा रहे हैं। कितने दिनों तक ये युद्ध चलेगा और कब ये वर्ल्ड वार में परिणति इसकी हो सकती है, ये भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में निरंतर देता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी आप देखेंगे आगे, और उस कॉन्स्पिरेसी के बाद रूस का बहुत जबरदस्त रिएक्शन होगा। वो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी कि हो सकता है तख्ता पलट की तैयारी हो रही हो रूस में, जो मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। तो इसलिए जो भी भारत के लोग हैं या जो दुनिया के लोग हैं जो अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्टर्न वार्निंग है, दूर हो जाइए। जो मैंने क्षेत्र बताए हैं आपको,
उन क्षेत्रों से, यूरोप के क्षेत्रों से कुछ समय के लिए दूर हो जाइए, क्योंकि घटनाक्रम जिस तरह से बदलने वाला है वो मुझे नहीं लगता है उसके बाद वहां से निकलना संभव हो पाएगा। तो कोशिश करिए, सेफगार्ड करिए अपने आप को, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं और इन परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए कोई भी इस समय घटनाक्रम पॉजिटिव सामने नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, 30 अप्रैल का आज हमारा ये आपके लिए एक वार्निंग है। अगले आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि आपको और ज्यादा वीडियोस दूं, क्योंकि मैंने पिछली जो भविष्यवाणियां की थी वो 30 अप्रैल तक थी, अगर आपको याद हो, हमारे पीछे वीडियोस देखिए जाके। और वो आज 30 अप्रैल है, शनि आज एक्वेरियस में प्रवेश कर रहा है, और आप देखेंगे कि वैसे भी जो मैंने घटनाक्रम दिया है वो उसी तरह से घटित हो रहा है। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं बहुत शीघ्र आपको देने वाला हूं किसी अन्य ज्वलंत इशू पर। तब तक आप जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आपने अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।